उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के घरेला गांव में सरकारी प्राथमिक विद्यालय साक्षरता दर को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। ना, ये कैसा बना? नल जैसा बना। अंगूठे से अक्षर नाम की पहल के तहत स्कूल के दो शिक्षक गांव वालों को स्कूल के लंच की छुट्टी के दौरान अपना नाम पढ़ना और लिखना सिखा रहे हैं। पहल का मकसद है कि अंगूठा लगाने वाले लोग अपने नाम के दस्तखत करें। तीन सा है कि नहीं? एक कौन सा आपके हिसाब से? अक्सर लोग अंगूठा ही लगाते थे, वो बहुत ऑड लगता था। तो शुरुआत में मीटिंग्स में हमने और सर ने बात करी लोगों से, तो लोगों को लगा, हम लोगों को लगा कि लोग पढ़ना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा, उनको कोई साथ नहीं मिल रहा जिससे वो सीख सकें। तो हम लोगों ने ही अपने स्कूल में शुरुआत की कि जो भी हमारे पास खाली टाइम हो या उनके पास जो भी खाली टाइम हो उसको हम यूटिलाइज करके उनको कुछ सिखा सकें। शुरुआत हुई थी नाम लिखने से कि लोग साक्षर हो जाएं, इतना हो जाए कि कम से कम अपनी हस्ताक्षर कर लें। जब शिक्षकों ने पहल की शुरुआत की बहुत कम लोग कक्षाओं में आते थे। हेजिटेशन एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों को दिखी कि महिलाएं घर से निकलना नहीं चाहती हैं, विद्यालय आना नहीं चाहती हैं, एक झिझक है उनके अंदर कि अरे सर जी ठीक है चल जा रही है अंगूठा लगा के चल रही है। तो वो झिझक उनको दूर करना और उनको जागरूक करने के लिए हम दोनों ने काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, उनको बताना पड़ा, समझाना पड़ा, और गाँव के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका सहयोग लिया और उनके घर वालों को उनके बच्चों से ही उनको प्रेरित कराया। अब गांव वालों ने अपनी मर्जी से आना शुरू कर दिया है। स्कूल के बच्चे भी इस मुहिम में शिक्षकों की मदद कर रहे हैं। तीनों मंत्र है कि नहीं? सागी आवाज अलग है कि नहीं? पहले हम लोग जाते थे लोगों के घर उनको बताने के लिए, अब बिना बोले ही लोग आ जाते हैं जिनको अपनी सशक्तताएं जरूरी लगती हैं। कितना बदलाव आया गांव में इस पहल से? पहले से अधिक बदलाव आ चुका है क्योंकि लोगों को अब संभावना पूरी लगने लगी है कि हम भी पढ़ सकते हैं और हर चीज के लिए व्याकुल हो गए हैं। गांव वाले स्कूल की इस पहल से काफी खुश हैं। उन्हें अपने पढ़े लिखे होने का एहसास होने लगा है। देखो किधर किधर मुड़ा है, देखो। हाँ, थोड़ा बहुत लिख लिए लगे। कब तक पूरा नाम लिख लेंगे? कितनी जल्दी सीख जाएंगे? अरे दो चार दिन में, दस दिन में सीख जाएंगे। तो कितना जरूरी है पढ़ाई लिखाई जीवन में? बहुत जरूरी है। क्या दिक्कत होती है जब पढ़े लिखे नहीं होते? पढ़े लिखे ना हो तो कोई चीज पढ़ लिख ना पाई हो, कहीं पर लिखा होगा उसको जान ना पाई हो। तो कैसे मतलब नाम जैसे पहले नहीं आता लिखे का एकदम, सर जी कैसे सिखाएंगे, क्या बताएंगे? अरे सर जी बहुत बताएं, हाथ पकड़ पकड़ जैसे बच्चन को बतावा तो ऐसे हमको बताइन है, सब सिखे लगे। तो पढ़ना लिखना कितना जरूरी है? अरे सर जी नाम लिखा मालूम हो जाए बस, जान लो सब मालूम है। स्कूल और बच्चों की ये मुहिम रंग ला रही है। अब काफी गांव वाले पढ़ाई लिखाई के लिए आ रहे हैं। इससे उन्हें उन दस्तावेजों को समझने में मदद मिली है जिन पर उनके दस्तखत की जरूरत होती है। अब वे आंख बंद कर कहीं अंगूठा लगाने की बजाय अपने दस्तखत करते हैं। ठीक, हम रहेंगे, राज रहेंगे।